हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको पेपलम कुर्ती बनाना सिखाएंगे, जिसे हम शरारा टॉप भी बोलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, जो कि थान का कपड़ा है। 2 मीटर ही हमें लाइनिंग यूज़ करना है। अगर आपका कपड़ा कॉटन का है तो आपको लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे ओपन करेंगे हम। पहले हम ऊपर के पार्ट को कट करेंगे, जो कि हम चोली बोलते हैं ऊपर के पार्ट को। यहाँ पर हम 4 फोल्ड में रखेंगे कपड़े को। आप देख सकते हैं किनारी का कपड़ा है। कपड़े को हमें विड्थ वाइज ही फोल्ड करना है, चौड़ाई में। मैंने 4 फोल्ड में रखा है अपनी, और मैंने बन साइड रखी है। ऊपर के पार्ट हमें 13 इंच बनाना है रेडी, तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर की ओर से शोल्डर लेंगे हम, 6.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है। साढ़े छः इंच मैंने आर्मोल लिया है। यहाँ पर चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे, 30 का होता है 7.5 इंच चौथाई भाग। नीचे की ओर भी हम 7.5 लेंगे। स्टिचिंग के समय हम कमर की फिटिंग करेंगे। डेढ़ इंच मैंने मार्जिन लिया है। चार इंच पे मैंने प्लेट डाली है, और 1 इंच का हमने बैक आर्मोल की शेप दी है। जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज में डालते हैं डार्ट, इस तरह से 1 इंच पे मैंने बैक आर्मोल का शेप दिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे या 3.5 इंच पे गले की चौड़ाई लेके 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ बोट नेक बनाना है। यहाँ पर मैंने फ्रंट आर्मोल की शेप दी है। अब दोनों पार्ट में हम फ्रंट पार्ट को निकालेंगे, बैक पार्ट को हटा देंगे, कटिंग करेंगे फ्रंट आर्मोल की। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं ऊपर की साइड के। अब यहाँ पर हम स्लीव्स के लिए कपड़ा कट करेंगे। बचे हुए कपड़े से हम घेर बनाएंगे। यहाँ से मैंने 11 इंच हमने स्लीव्स के कपड़े की कटिंग करनी है। स्लीव्स हम बाद में कट करेंगे। अब हम बचे हुए सब कपड़े से हम पूरा यूज़ करेंगे घेरे के लिए। आप देख सकते हैं चौड़ाई में ऑलरेडी फोल्ड है ये कपड़ा। एक बारी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे लंबाई में। हमें 2 पार्ट नीचे की ओर भी कट करने हैं, जैसे कि हमने ऊपर की ओर कट किए हैं। एक पार्ट हमारा फ्रंट साइड जॉइंट होगा, एक पार्ट हमारा बैक साइड में। यहाँ भी मैंने अपनी ओर बन साइड ली है। अब इस तरह से ऊपर के पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। आप देख सकते हैं ये 4 फोल्ड में है कपड़ा। अपनी ओर हमें बन साइड रखनी है, जैसे कि ऊपर के पार्ट को हमने बन साइड रखा है। यहाँ पर आप चाहें तो जितना ज़्यादा कपड़ा होगा उतना घेर अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैंने 27 इंच लिया है, डबल में 27 इंच है ये। ये कपड़ा डबल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 पार्ट कट करने हैं एक साथ। जितना ज़्यादा घेरा होगा उतनी ज़्यादा प्लीट्स आएगी। ऊपर का पार्ट हमारा 13 इंच रखना है हमें, तो 13 इंच हम इसमें से माइनस कर देंगे। इस तरह से 13 इंच इंची टेप को ऊपर की ओर निकाल देना है। टोटल लंबाई 28 इंच है, तो 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे नीचे की ओर फोल्ड करने के लिए। 13 इंच पे मैंने इंची टेप को बाहर निकाल दिया है, और इस तरह से निशान लगा लेना। आपको पूरे पे कट कर देना है यहाँ से। अब इसे ओपन करेंगे। ये 2 पार्ट हैं हमारे। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से ये जॉइंट होगा। एक पार्ट लेंगे इस तरह से, दोनों पार्ट हम लेंगे, ऊपर का भी एक पार्ट लेंगे और नीचे का भी। इस तरह से हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। 1/2 इंच चौड़ी हम प्लीट्स लगाएंगे पूरे पार्ट में।
इस तरीके से हमें प्लीट्स लगानी है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में कपड़े को रखेंगे। नॉर्मली हम जैसे कटिंग करते हैं स्लीव्स की, 10.5 इंच पे मैंने लंबाई का निशान लगाया है क्योंकि मुझे 9.5 इंच रेडी रखनी है लंबाई। ये चौड़ाई हम ऊपर का जो लेते हैं वो चेस्ट का 1/4 भाग -2.5 इंच, नीचे की ओर मोहरी का 1/2 लेते हैं। यहाँ से 3 इंच डाउन करना है, इस तरह से मिला देने हैं और गोलाई कर देनी है। अगर आप स्लीव्स की वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। 2 पार्ट उठाएंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे स्लीव्स की। सिर्फ 2 ही पार्ट में कट करनी होती है गोलाई। यहाँ पर हम लाइनिंग का पीस लेंगे, ऊपर के पार्ट जो हैं उसकी कटिंग करेंगे। 2 पार्ट कट करने हैं लाइनिंग के भी हमें। लाइनिंग आप एक्स्ट्रा कट करें, बाद में स्टिचिंग के समय हम इसे कट करते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको। आप देख सकते हैं मैंने 2 पार्ट कट किए हैं लाइनिंग के। स्लीव्स के भी हम 4 फोल्ड में कपड़े को रखेंगे और इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर लाइनिंग के हमें 2 पार्ट कट करने हैं। इस तरह से रखेंगे, इसकी चौड़ाई का आप देख सकते हैं हमें जॉइंट करना होगा। इसमें छोटा पड़ रहा है हमारा लाइनिंग, इस तरह से चौड़ाई का निशान लगाएंगे, लेकिन हमें 2 इंच छोटा रखना है लाइनिंग ताकि नीचे की ओर दिखाई ना दे। कट करेंगे, लाइनिंग हमेशा 2 इंच छोटा रखना होता है। अब इसमें हम जॉइंट करेंगे जितना कि हमारा ये छोटा हो रहा है। हमें बिल्कुल फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही लाइनिंग को भी लेना है, 27 इंच डबल में। अब हम स्टिचिंग करेंगे। पहले हम लाइनिंग अटैच करेंगे पूरे पार्ट पे। आप देख सकते हैं मैंने लाइनिंग अटैच कर लिया है। जैसे नॉर्मली हम लाइनिंग अटैच करते हैं, आप ध्यान से देखें, नीचे की ओर मैंने ओपन छोड़ा है, ऊपर की ओर से भी मैंने लाइनिंग पे सिलाई लगाई है और साइड से भी लगाई है। नीचे की ओर आपको ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि किनारी का कपड़ा है। अगर आपके पास किनारी का कपड़ा नहीं है तो आप बारीक फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन नीचे की ओर हमें ओपन रखना है और 2 इंच छोटा रखना है लाइनिंग। इस तरह से आपको लाइनिंग प्रॉपर अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट में हमें लाइनिंग अटैच कर लेना है इस तरीके से। सेम तरीके से हमने ऊपर के पार्ट में भी लाइनिंग अटैच कर लिया है, जैसे कि हम ब्लाउज के पार्ट में लाइनिंग अटैच करते हैं, सेम उसी तरीके से एक्स्ट्रा लाइनिंग हमने कट कर दिया है। जो भी आपका लाइनिंग एक्स्ट्रा रहता है उसे बाद में हम कट कर देते हैं। स्लीव्स पे भी हमने लाइनिंग अटैच कर लिया है, नॉर्मली जैसे हम ब्लाउज वगैरह में अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम आप देख सकते हैं हम नेक बनाएंगे, हम इसमें राउंड नेक बनाएंगे। चौड़ाई इसकी डबल में 5 इंच है, आप देख सकते हैं, और लंबाई जितनी आपको नेक की लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं 3.25 इंच चौड़ाई रखूँगी नेक की। इस तरह से 4 इंच लंबाई, क्योंकि मैं ये 13 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ इसलिए नेक की चौड़ाई मैं कम रखूँगी। इस तरह का आप गोल शेप का कुछ भी ले सकते हैं और राउंड शेप दे सकते हैं इस तरीके से, अगर आप बिगनर हैं तो। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम नेक की कटिंग करेंगे। अब इसे हम कपड़े पे बनाएंगे। इस तरह से कपड़ा कट कर लेना है नेक के अकॉर्डिंग। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसे हम फोल्ड करते जाएंगे नेक के ऊपर। फोल्ड कर लेना है। अब इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पे कट लगाएंगे, निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में हमें नेक को अटैच करना है तो इस पे भी हम निशान लगाएंगे डबल फोल्ड करके सेंटर पे। फ्रंट पार्ट में हम बुकरम का नेक बनाते हैं, इस तरह से आपको रखना है और इस सेंटर पे सिलाई लगा लेनी है।
अब हम पूरे नेक पे सिलाई लगाएंगे। हमें बुकरम के टच करते हुए सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। सिलाई को छोड़ते हुए हम कट लगाएंगे हल्के हल्के। अब इसे उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे। बाद में हम तुरपाई करेंगे। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और डार्ट का निशान लगाएंगे 4.5 इंच इधर से, और लंबाई में हम 4.5 इंच लेंगे। दूसरी ओर भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे डार्ट के लिए। दोनों साइड हमने डार्ट के निशान लगाए, कट लगाना है। अब हम इस डार्ट को लगाएंगे 1/2 इंच चौड़ा। नीचे की ओर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ऊपर की ओर पतला करते जाएंगे डार्ट को, जैसे हम ब्लाउज में डालते हैं डार्ट। ये दोनों पार्ट में हमें डार्ट लगानी है। फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट हम डबल फोल्ड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट के शोल्डर को इस तरह से रखेंगे और नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच दूर पे हम निशान लगाएंगे, 1/2 इंच दूर। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने दूर से निशान लगाया है। ये हमारी नेक की चौड़ाई निकल आई है। नेक की चौड़ाई हमें दोनों में बराबर रखनी होती है। इस तरह से बैक साइड में हमने शेप दे दिया है। जितनी आपको डीपनेस रखनी है, यहाँ पर और एक पट्टी कट करनी है जो कि तिरछे कपड़े से कटती है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और सीधी साइड से रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे पूरे नेक पे। पट्टी को बिल्कुल खींचना नहीं है। अब इस पे हम कट लगाएंगे हल्के हल्के, लेकिन इसे अभी फोल्ड नहीं करेंगे। पहले हम डार्ट लगाएंगे, बाद में हम बैक पट्टी फोल्ड करेंगे 4 इंच पे इस तरह से और 4.5 इंच पे इस तरह से। दूसरी ओर भी हमें 4 इंच पे 4.5 इंच लंबाई डार्ट की, 1/2 इंच चौड़ी हम डार्ट लगाएंगे पहले। इस तरह से शोल्डर जॉइंट करेंगे पहले। आप ध्यान से देखें, बैक पार्ट की पट्टी मैंने अभी फोल्ड नहीं की है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम फोल्ड करेंगे पट्टी को। अब हमने ये पट्टी को फोल्ड कर देना है इस तरह से, ताकि ये शोल्डर हमारा पट्टी के अंदर छिप जाए। यहाँ पर हम इसे फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई नहीं लगाएंगे, पक्की सिलाई लगाएंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे की ओर हमने रखना है ओपन साइड, ऊपर की ओर हमने जो सिलाई लगाई है वहां से प्लीट्स डालनी है हमें नीचे के पार्ट में। जितना आपका घेरा है उसके अकॉर्डिंग ही प्लीट्स लगाएं। आपको 1/2 इंच चौड़ी प्लीट्स लगानी है। आप देख सकते हैं मैं छोटे से पेचकस की सहायता से प्लीट्स लगा रही हूँ। आपको प्लीट्स एक बराबर लगानी है। आप ध्यान से देखें, मैंने 1/2 इंच चौड़ी प्लीट्स लगाई है। आप चाहें तो धागे से कच्ची सिलाई करके और धागा खींच के भी प्लीट्स लगा सकते हैं। दोनों तरीके से हम प्लीट्स लगा सकते हैं। धागा खींच के भी प्लीट्स लगाई जाती है। इसको आपको मेज़र करते रहना है। इसे हम चोली के पार्ट को लेंगे और इस तरह से मेज़र करेंगे। हमें सारे घेरे की प्लीट्स लगा देनी है। जब तक हमारा पार्ट ऊपर वाले पार्ट के बराबर नहीं हो जाता, तब तक हमें प्लीट्स लगाते जाना है और मेज़र करते जाना है बीच बीच में। आप देख सकते हैं मैंने मेज़र करते जाना है। यहाँ पर आप देखें मेरे दोनों पार्ट इक्वल हो गए हैं। अब मैं इसे जॉइंट करूँगी।
इसे मैंने उल्टी साइड से रखा है और दूसरे पार्ट को मैंने सीधा रखा है। अब हम इसे जॉइंट कर देंगे, बिल्कुल भी छोटे बड़े ना हो। अगर आपका नीचे का पार्ट बड़ा हो रहा है तो आप उसमें प्लीट्स लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं प्लीट्स हमारी इस तरह से होगी, जॉइंट होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है इसके अकॉर्डिंग। नीचे की ओर ओपन साइड है, आप ध्यान से देखें, मैं इसीलिए बार बार बता रही हूँ। ऊपर की ओर से हमें प्लीट्स लगानी है, सॉरी। आपको छोटे पेचकस की सहायता से प्लीट्स लगा लेनी है ताकि इक्वल आए हमारी ये प्लीट्स। आपको बीच बीच में मेज़र कर लेना है, जैसे कि मेरा घेरा भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं इसमें प्लीट्स और ज़्यादा डालूँगी। हमें उसके इक्वल करना है, दोनों को बराबर रखना है। अभी भी ज़्यादा है तो मैं और प्लीट्स डालूँगी इसमें। अब फिर से मेज़र करेंगे, जितना ज़्यादा घेरा होगा उतनी ज़्यादा प्लीट्स आएगी, उतना ज़्यादा सुंदर दिखेगी हमारी कुर्ती। अब इसको हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने दोनों साइड जॉइंट कर लिए हैं, दोनों पार्ट आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्लीव्स अटैच करेंगे, ये हम सेंटर पे कट लगाएंगे स्लीव्स के। यहाँ पर हम ओपन स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स के कट को हम शोल्डर के जॉइंट पे रखेंगे और अटैच करते जाएंगे। आप ध्यान रखें, ये जो ओपन स्लीव्स होती है ये हम सेंटर से ही स्टार्ट करते हैं। स्लीव्स को बिल्कुल खींचना नहीं है, लूज छोड़ते जाना है स्लीव्स को। अब इस तरफ से भी हम अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम चेस्ट का हाफ लेंगे, जैसे कि 30 है तो उसका 15 इंच पे हम निशान लगाएंगे। नीचे की ओर 27-28 इंच कमर है तो उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने 13.5 इंच लिया है कमर, और चेस्ट मैंने 15 इंच लिया है। मोहरी हमने ली है 4.5 इंच, 9 का आधा होता है 4.5 इंच, और जो हमने निशान लगाए हैं उस पर हमें सिलाई लगाते जाना है। ये मैंने 13 साल की लड़की के लिए बनाया है। बस मेजरमेंट चेंज रहेगा, बाकी सेम तरीके से बनेगा, चाहे आप बड़ों के लिए बनाएं चाहे छोटे बच्चों के लिए। मेथड यही रहेगा, बस हमारे मेज़रमेंट चेंज हो जाते हैं, बाकी मेथड यही रहता है। इस तरीके से पूरा बंद कर देना है। पूरा साइड से नीचे की ओर से हमें बंद करते जाना है।
नीचे की ओर तो कोई फिटिंग नहीं होती है, कमर के पास से हमने जो फिटिंग की है वहाँ से सिलाई पूरे पे लगाते जाना है। साइड से ये प्रॉपर बंद रहता है। अब नीचे का जो एरिया है ये मेरा कपड़ा जो है किनारी वाला है, तो मैं इसे सिंगल फोल्ड करूँगी। अगर आपके पास ये कपड़ा किनारी नहीं है नीचे की ओर, तो आप इसको डबल फोल्ड करें, पतला फोल्ड करें लेकिन डबल फोल्ड करें। यहाँ पर मेरे पूरे कपड़े पे किनारी है तो मैं इसे सिंगल फोल्ड करूँगी। यहाँ पर मैंने पूरा घेरा फोल्ड कर लिया है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। आप इसे शरारा के साथ पहन सकते हैं, स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।